भ्रष्टाचारियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो भ्रष्टाचारियों को, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो भू माफियाओं के खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज करो, दर्ज करो, दर्ज करो भू माफियाओं के खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज करो, दर्ज करो, दर्ज करो भ्रष्टाधिकारियों को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो भ्रष्टाधिकारियों को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। और मुख्यमंत्री जी के विभाग में हजारों गज जमीन जो हुड्डा की है, फर्जी दस्तावेजों के आधार पे फर्जी तरीके से उसकी इंतकाल और रजिस्ट्रियां हो जाती हैं। और 7300 गज के करीब भूमि जिसके ऊपर पूरी तरीके से 720 में कब्जा है। और मैं 50 बार आपके सीए साहब को भी लिखा हूँ, सीए साहब ने इनको लेटर लिखा जेई को, अब जाके देखो जेई और पटवारी नोटिस चिपका के उसके बाद फाड़ देते, दीवारें खिंच गई चारों तरफ से, कब्जा हो गया बुरी तरीके से। ये हमारे भी भाग की देन है, 450 करोड़ का घोटाला ये आपके सामने रख दिया मैंने। एक नए खुलासे के साथ आरटीआई एक्टिविस्ट जोगेंद्र स्वामी हमारे साथ है, हाथ में कागज देख रहे हैं, सीधा इन्हीं के पास लिए चलते हैं, ज़्यादा भूमिका नहीं मानते। किस चीज़ के कागज हैं ये? हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण जिस कार्यालय के बाहर हम खड़े हैं हुड्डा ऑफिस, इसकी लगभग 7 बीघा 7 बिस्वा भूमि जो अर्जित है, इक्वायर है, उसकी कुछ भू माफियाओं द्वारा फर्जी दस्तावेज लगा करके रजिस्ट्रियां तक करवा दी गई। जबकि मैंने आरटीआई 15/6/2023 को जवाब लिया, उसके अंदर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है 21 खसरे में 720 खसरे में केवल 12 बिस्वा यानी 600 गज जमीन ही अनर्जित है, इसके अलावा कोई भूमि ना तो रिलीज है और ना ही अनर्जित है। उसके बाद कुछ लोगों ने एल ए ऑफिस को रोहतक पत्र लिखा, आका मेन डोसी दी जाए, ये देखिए सेक्टर 6 पानीपत खसरा नंबर 720 गर्म तरफ इंसार रकबा 16 बिस्वा की NOC बारे, यह कोई सुरेंद्र है वो लिखता है कि भाई मेरी 16 बिस्वा भूमि अनर्जित है। तो उन्होंने इसके रिगार्डिंग पत्र लिखा तहसील कार्यालय को, भूमि अर्जन अधिकारी ने, 21 खसरे में किसी भी प्रकार का अगर कोई भूमि अनर्जित संबंधित पत्र मिलता है तो उसको निरस्त समझा जाए, इस खसरे में केवल 12 बिस्वा भूमि ही अनर्जित है, इसके अलावा अगर कोई इसमें इंतकाल हुआ है तो उसको रद्द किया जाए। उसके बाद इन लोगों ने ये पटवारी का रोज नामचा बोलते हैं इसको, रोज नामचा है, इस रोज नामचे के अंदर स्पष्ट इस पत्र का हवाला है किसी भी प्रकार की इसमें रजिस्ट्री इंतकाल या भूमि अनर्जित संबंधित कोई पत्र आता तो उसको ना किया जाए। उसके बाद ये इसकी जमाबंदी है, इस जमाबंदी में ये 16 बिस्वे का हवाला दिया गया था लेकिन फिर ये लेटर लिख गया, यानी ये 2018 का 2018 से ये लोग भूमि को हथियाने के चक्कर में लगे हुए थे। इसमें ये आपके इंतकाल और ये रजिस्ट्रियां इसके अंदर आ गई जमाबंदी। मैं इस चीज़ को लेकर के जब मैंने आरटीआई में निकाला तो मैं हैरान रह गया, अब जब तहसील कार्यालय में यह दर्ज है कि इसमें कोई भी भूमि अनर्जित नहीं है, एक वीरेश मोहन जिसको हुड्डा विभाग ने पत्र लिखा अनर्जित भूमि दी, इन्होंने लेटर लिख दिया भाई आप खाली करो ये आपका इसका वैध कब्जा है, तो उसमें वो कोर्ट में चला गया, कोर्ट ने उसके हक में फैसला दिया 12 बिस्वे का मालिक है, 12 बिस्वे ये वही 600 गए, इन भू माफियाओं ने उस भूमि का उस कोर्ट का फैसला वाला देते हुए और फर्जी हुड्डा ऑफिस के लेटर, चंडीगढ़ का लेटर, लेकिन उस चंडीगढ़ के पत्र में भी केवल यही है कि वो जो 661/2008 का कोर्ट का फैसला उसको माना जाए, उसमें ये 12 बिस्वा वीरेश मोहन के नाम है, लेकिन ये इतना बड़ा फ्रॉड उन पत्रों से 4000 गज जमीन, लगभग 4000 गज जमीन की रजिस्ट्री इंतकाल हो गई। इसमें तहसील के भी कुछ लोग इन्वॉल्व हैं, आप क्या बात कर रहे हो, काम तो तहसील ने कर रखा है, पटवारी रपट जमाएगा, तहसीलदार कानूगो, इसमें DRO का भी पत्र है, DRO भी इसमें संदेह के दायरे में है, क्योंकि जो भू माफिया है DRO के उसमें एक के साथ संबंध है, मेरे को एक ने बताया, पटवारी ने मेरे को कहा कि मेरे ऊपर दबाव डाला गया, मैंने किया मेरा गरीब आदमी हूँ, मैं कहा भैया इसमें तो सरकार की जमीन है, तू तो गरीब है, ये तो करोड़ों का घोटाला है, 450 करोड़ का घोटाला है, 7200 गज जमीन के ऊपर कब्जे हैं। तो रजिस्ट्री हुई है, नगर निगम की भी कोई इन्वॉल्वमेंट या आईडी बनी हो? प्रॉपर्टी आईडी बनी हुई है इनकी, नगर निगम से प्रॉपर्टी आईडी बनी, तहसील में इनकी रजिस्ट्रियाँ हुई, उसके बाद भू माफियाओं ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पे, इसमें प्रमुख रूप से मेरे पास है नाम, ये शोभा, रेणु तनेजा, सुरेंद्र
संजीव, रविंदर, इस प्रकार के 10-12-8-9 लोग हैं जिन्होंने फर्जी रजिस्ट्रेशन। अच्छा, कहाँ है, कि जगह कहाँ पे, कौन सी जगह की बात? ये आपने देखा होगा सिंगला प्लेस, सिंगला प्लेस से इधर आएंगे चल के, सुविधा बजाज, हीरो होंडा एजेंसी, ट्रैक्टर एजेंसी, ये सारी की सारी अवैध कब्जे, बड़े बड़े शोरूम जो हैं, ये सारी जमीन ग्रीन बेल्ट की है। DTP ऑफिस की प्लानिंग के अंदर ग्रीन बेल्ट है, ये ग्रीन बेल्ट की भूमि है। सबसे बड़ी तो बात है 40 मीटर की ग्रीन बेल्ट होती है नेशनल हाईवे के ऊपर, ये ग्रीन बेल्ट है, लेकिन उसको भी छोड़ दो, भूमि तो हुड्डा की है। आज यहाँ 450 करोड़ में जाती वो, ये इन लोगों ने, इन अधिकारियों ने मिल के इसके ऊपर कब्जे करवाए, इनकी रजिस्ट्री तक करवा दी। पहले भी ज्ञापन देते रहे हुड्डा में, कोई कार्रवाई हुई नहीं है, आज क्या उम्मीद मानते थे इस ज्ञापन के बाद कार्रवाई? हमने ये दे दिया, हमने अब डाला इसको, मगर इसके अंदर जो रेणु तनेजा, सुरेंद्र, सुषमा कक्कड़, अरविंद शोभा, प्रवीण, संजीव आदि जिन लोगों ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर तहसीलदार से मिली भगत करके, पटवारी कानून के साथ मिल करके फर्जी दस्तावेजों के आधार पर धोखाधड़ी, जालसाजी के साथ जिस प्रकार से रजिस्ट्रियाँ कराई हैं, इनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इनकी म्यूटेशन करके HSBP के नाम भूमि आनी चाहिए। ये चीज़ हमने अभी दी है, अगर ये सोमवार तक नहीं करते तो मंगलवार को हम DC साहब को ज्ञापन देंगे। ये हमारा कार्यक्रम है, उसके बाद हमारे एडमिनिस्ट्रेटर रोहतक के पास, फिर हम CA हुड्डा के यहाँ प्रदर्शन करेंगे, उसकी जांच कराएंगे कि क्या है उनके इस लेटर में, क्या है और इसके तथ्य क्या हैं। डिपार्टमेंट पे भी काफ़ी आरोप लगे हैं। नहीं, आरोप तो मेरे सामने ऐसा कुछ नहीं लगाया, उन्होंने एक ज्ञापन दिया है, मुझे ज्ञापन रिसीव कर लिया है, और जो है ज्ञापन में क्या लिखा है मैंने पढ़ा भी नहीं है, अब आपके सामने ही दिया उन्होंने। इनफैक्ट इसको पढ़ के और इसकी LO से, दूसरे ऑफिस से रिपोर्ट लेकर इसकी जांच कराएंगे। भ्रष्टाधिकारियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करो, दर्ज करो, दर्ज करो। भूमाफियाओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज करो, दर्ज करो, दर्ज करो। भूमाफियाओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज करो, दर्ज करो, दर्ज करो। जोगेंद्र स्वामी हमारे साथ थे, पूरा हवाला दे दिया कहाँ पर ये है। GT रोड से जाएंगे तो सुविधा बजाज, उसके साथ जितने बढ़ते शोरूम हैं उनकी ये बात कर रहे हैं, और कितना बड़ा घोटाला जो है, 450 करोड़ रुपए का घोटाला जो है गिनाया जा रहा है। तो फिलहाल देखते हैं इस मामले में क्या कार्रवाई होती है। नमस्कार।